भूपेश के मठ की आज एक बड़ी बैठक हुई, अहम बैठक हुई, जिसमें बजट पर चर्चा हुई, अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। उसके साथ ही कई और बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए। उसके साथ ही छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर भी इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। पूरी खबर विस्तार से, उससे पहले आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में आज कैबिनेट की 38वीं बैठक हुई। इस बैठक में 39 विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान कई प्रमुख फैसले गए। इसमें सबसे प्रमुख फैसला जो है स्कूलों को लेकर है। इस बैठक में फैसला लिया गया कि कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति में प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 21-22 के लिए 2 अगस्त 2021 से भौतिक रूप से शिक्षण तथा अध्यापन कालखंडों में विद्यार्थियों को उपस्थिति का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत कक्षाओं का संचालन प्रतिदिन 50% उपस्थिति के साथ किया जाएगा। अर्थात विद्यार्थी अल्टरनेट डे कक्षा में उपस्थित होंगे। समस्त संकाय कक्षाओं के लिए पूर्व से संचालित ऑनलाइन कक्षा भी यथावत संचालित रहेगी। कोविड-19 के सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाएगा। राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI प्रारंभ होंगे। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक चरणबद्ध रूप से खोले जाएंगे। कॉलेजों में विद्यार्थियों की उपस्थिति भी अनिवार्यता नहीं है। कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षाएं 2 अगस्त 2021 से शुरू होगी। कक्षाओं का संचालन विद्यार्थियों की 50% उपस्थिति के साथ किया जाएगा। इसके लिए पालकों की सहमति आवश्यक होगी। यदि कोविड के एक भी प्रकरण नहीं है, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत पालकों के परामर्श से स्कूल के संचालन का निर्णय ले सकेगी। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी स्कूल के संचालन के संबंध में स्थानीय पार्षद एवं पालकों के सहमति से निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही भूपेश की और कई अहम बैठक हुए, जिसमें सबसे बड़ा अहम फैसला है कि भूपेश सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने के निर्णय लिए हैं। कुछ प्रतिशत इसमें कोरोना गाइडलाइन के पालन इसमें किया जाएगा। 2 अगस्त छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज 10वीं 12वीं और 9वीं 10वीं के कक्षाएँ शुरू होगी।